यह है माइनक्राफ्ट का ब्यूटीफुल सा सुंदर सा वर्ल्ड जहां हमें सरवाइव करके एंडर ड्रैगन को मार के गेम को बीट करना रहता है। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज, जिसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यार मैं इस सीरीज को काफी ज्यादा आगे तक लेके जाने वाला हूँ। गाइस यार, इस वीडियो में मेरे कुछ गोल होने वाले हैं। फर्स्ट गोल है मेरा आयरन आर्मर बनाना विद आयरन टूल्स, एंड सेकंड गोल है एक हाउस बनाना। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, मैं अपने वर्ल्ड का नाम रखूंगा रॉयल किंगडम। लेट्स क्रिएट द वर्ल्ड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। वर्ल्ड में स्पॉन होते ही मैं अपने आसपास देखता हूँ तो पूरा स्नो बायोम ही दिखता है, तो मैं इसको शुगर केन कलेक्ट करके सीधा चले जाता हूँ वुड कलेक्ट करने, ताकि मैं वुडन टूल्स और क्राफ्टिंग टेबल बना सकूँ। तो मैंने फटाफट से यहाँ से कुछ वुड कलेक्ट किया और फिर से मैं निकल जाता हूँ अपनी विलेज फाइंड करने की तलाश में। और कुछ दूरी पर जाते जाते मेरे को कुछ नहीं मिलता, पर थोड़ी दूर में मेरे को विलेज मिल जाता है, जिसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। बाद मेरे माइंड में एक ही चीज़ था, विलेज को लूटना। तो मैं फटाफट से जाता हूँ विलेजर्स के चेस्ट लूटने, और फर्स्ट घर को खोलते ही मेरे को उसके चेस्ट में कुछ भी काम का नहीं मिला। एक फर्नेस, कुछ बीट रूट, स्नोबॉल और ब्लॉक के कचरे जैसे सामान के अलावा कुछ नहीं मिलता यहाँ। इसकी बेड ही ले जाता हूँ, एक ही चीज़ था जो काम का था सिर्फ बेड के अलावा। और फिर मैं और भी घर लूटने निकल जाता हूँ। सेकेंड घर में तो कुछ भी काम का नहीं था, थर्ड घर चेस्ट में कुछ भी काम का नहीं मिलता। एक पोटैटो, कुछ स्नोबॉल, वही सब चीज़ थे। पता नहीं विलेज में स्नोबॉल्स ही क्यों थे इतने सारे। तो मैं कुछ विलेजर्स के क्रॉप्स इकट्ठे करने लग जाता हूँ फूड सोर्स के लिए। फिर उसके बाद मैं और भी घर फाइंड तलाश करने लग जाता हूँ चेस्ट घरों के अंदर। फिर मेरे को चलते चलते एक ब्लैक स्मिथ का हाउस मिल जाता है, जिसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। तो मैं फटाफट से जाता हूँ इसकी चेस्ट कलेक्ट करने, चेस्ट से लूट कलेक्ट करने। पर चेस्ट खोलते ही इसमें भी कुछ भी काम का नहीं मिलता आयरन आर्मर के अलावा। लाज नहीं होता, और चेस्ट से सारा सामान कलेक्ट करने के बाद आयरन आर्मर को इक्विप करता हूँ और मैं निकल जाता हूँ अपने वही विलेजर को लूटने वाले काम में। और विलेज में तो आधे से ज़्यादा घर काम के ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर मेरे को दिखता है ऊपर में और हाउस दिखता है। यार माउंटेन के ऊपर हाउस कौन बनाता है यार। माउंटेन क्लाइम करने के बाद मेरे को कुछ बीट रूट दिखते हैं, तो मैं फटाफट से इन बीट रूट्स को कलेक्ट करता हूँ। और बीट रूट कलेक्ट करने के बाद ब्लैक स्मिथ का हाउस मिलता है। लिटरली इस विलेज के अंदर दो ब्लैक स्मिथ है। मेरे को इस घर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, पर जैसे इसका चेस्ट खुला तो इसमें भी कचरा ही मिला। बट एनीवेज, मैं इसका सामान चेस्ट में जो भी था लेके निकल गया और इसकी चेस्ट भी मैंने तोड़ के रख ली। फिर मैं नीचे उतरने के लिए पता नहीं क्यों MLG करने लग जाता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट MLG है वो फर्स्ट अटैम्प्ट फेल चले जाता है और सेकंड अटैम्प्ट भी फेल चले जाता है। और थर्ड अटैम्प्ट में मैं हो जाता है। फिर नाइट होने वाली थी तो मैंने सनसेट इन्जॉय करता हूँ और उसके बाद आराम से सो जाता हूँ। सुबह उठने के बाद मैं फटाफट से अपने लिए कोई बीट रूट के सूप बनाता हूँ और स्टोन कलेक्ट करने निकल जाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं कोई स्टोन टूल्स बनाता हूँ, और स्टोन टूल्स बनाने के बाद मैं फटाफट से कुछ आयरन दिखे थे तो मैं आयरन कलेक्ट करने चले जाता हूँ। और आयरन को यहाँ लिटरली मेरे को 6 आयरन मिलते, एक आयरन मिलता तो मेरा पैंट कंप्लीट हो जाता और आयरन सूट कंप्लीट हो जाता मेरा। पर मैं विलेज फाइंड करने की तलाश में निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे को स्नो बायोम में नहीं रुकना है। काफ़ी दूर चलते चलते मेरे को विलेज मिल ही जाता है। विलेज में एंट्री लेते ही मेरे को दिखता है चेरी ब्लॉसम बायोम, जिसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि ये जगह परफेक्ट है बेस बनाने के लिए। तो फटाफट से मैं ये घर को खोल के चेस्ट
लूट कर करता हूँ जिसमें पोटैटोस और एमराल्ड्स के अलावा कुछ भी काम का नहीं मिलता। फिर सेकेंड हाउस में मेरे को एक सैडल के अलावा और कुछ काम का नहीं मिलता, लिटरली यहाँ सामान सारे कचरे यहाँ के। थर्ड चेस्ट के अंदर मेरे को कुछ भी काम का नहीं मिलता है। उसके बाद मेरे को साइड में एक एंटर पल दिखती है। एंटर पल कलेक्ट करने के बाद कोल दिखता है तो मैं उसको माइंड कर लेता हूँ। लिटरली यहाँ पे एक ही कोल था। फिर मैं निकल जाता हूँ बेस बनाने की तलाश में, एक परफेक्ट बेस। तो मैं एक एंटर पल फेंकता हूँ टेलीपोर्ट लेके, ताकि मैं बेस फाइनली मेरे को एक लोकेशन मिल गया था जहाँ मैं अपना बेस बना सकूँ। तो मैं अपना सारा सामान सेटअप करता हूँ, सामान को चेस्ट में डालता हूँ और मैं अपने आसपास के एरिया को क्लीन करने लग जाता हूँ सॉवल की मदद से। और उसके बाद मैं स्टोन भी कलेक्ट करता हूँ बेस बनाने के लिए। और काफ़ी ज़्यादा स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं अपनी बोट ले कर निकल जाता हूँ वुड कलेक्ट करने के लिए। और मेरे को ट्रैवल करते करते लिटरली ओक के वुड कहीं नहीं मिल रहे थे। तो मैं ये नए फिर मैं कुछ ये नए ट्रीज को चॉप करने लग जाता हूँ बेस बनाने के लिए। मैं इसे पहली बार बेस बना रहा हूँ। उसके बाद नाइट होने वाली थी तो मैं सारे मटेरियल्स कलेक्ट करके सो गया। फिर अगले दिन के स्टार्टिंग में मैं बेस बनाने का काम चालू कर देता हूँ। गाइस यार काफ़ी देर के मेहनत करने के बाद फाइनली मेरा बेस बनके रेडी हो जाता है। Hey, that's pretty good. गाइस यार और मेरा सेकंड गोल कंप्लीट हो जाता है बेस बनाने का। तो मैं निकल जाता हूँ माइनिंग के लिए, क्योंकि मेरे को आयरन आर्मर बनाना था और आयरन गेट टूल्स जिसके लिए मेरे को आयरन की नीड थी। तो मैं निकल जाता हूँ अपनी माइन में माइनिंग करने के लिए। और थोड़ा सा डर्ट हटाने के बाद फाइनली मेरे को स्टोन दिख जाता है। तो मैं स्टोन कोल दिख जाता है तो मैं कोल को माइनिंग करने लग जाता हूँ। यहाँ काफ़ी ज़्यादा कोल्स है तो मैं काफ़ी ज़्यादा कोल्स को माइन करने के बाद और भी ज़्यादा कोल्स को माइन करता हूँ। फिर मैं थोड़े और स्टोन करने लग जाता हूँ। उसी समय मेरे को आयरन दिख जाते हैं तो मैं आयरन को माइन करने निकल जाता हूँ। और यहाँ लिटरली बहुत सारे आयरन थे तो मैं आयरन को ढेर सारे आयरन को माइन करता हूँ। फिर मेरे को कुछ देर बाहर आयरन दिखता है तो मैं उसको भी जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ बहुत सारे आयरन है इस केव के अंदर, जिससे मेरा आयरन आर्मर और टूल्स तो कम्प्लीट हो ही जाएगा। और फिर मैं आगे और माइन करते जाता हूँ आयरन की तलाश में। फिर मेरे को आयरन की तलाश करते करते एक बड़ी सी केव में सो गाइस उसके बाद मैं अपने आयरन आर्मर और टूल्स को बना लेता हूँ और मेरे सेकंड गोल भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड।